अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने लैरिंग्स में जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज लेरिंजियल पैरालिसिस। ठीक है, तो लेरिंजियल पैरालिसिस जो आपका टॉपिक है, इसमें से लाइक कभी कभार वो आपसे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का एससीक्यू दे देते होते हैं। नॉर्मली नहीं आता, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके वाइवा में काफ़ी पूछा जाता है, बिकॉज ये एनाटॉमी इसमें इन्वॉल्व है। पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस कब होता है? जब नर्व सप्लाई टू एनी एरिया इज लॉस्ट। ठीक है, नर्व सप्लाई जब खत्म हो जाएगी तब पैरालिसिस होगा। तो हमारे पास लेरिंजियल पैरालिसिस तब होगा जब लैरिंग्स की नर्व सप्लाई में कोई मसला आएगा, या वो पूरी खत्म हो जाएगी, या वो पैरालिसिस तो जाहिर सी बात है तभी होता है जब पूरी की पूरी नर्व सप्लाई चली जाती है और उसके बाद उस जगह का फंक्शन, जो उसके एरिया ऑफ इनर्वेशन का फंक्शन है, वो नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है कि हमें अगर ये पढ़ना है तो उसके लिए हमें नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए कि पूरे लैरिंग्स की नर्व सप्लाई क्या है। तो लैरिंग्स में दो तरह की नर्व सप्लाई आ रही है, एक मोटर नर्व सप्लाई है, मोटर जो कि एक्शन परफॉर्म करवाएगी, यानी कि जो लैरिंजियल मसल्स के लिए है। ठीक है, हमने जितने लैरिंग्स में मसल्स पढ़े थे ना, कुछ वोकल कॉर्ड्स को एडक्ट कर रहे थे, कुछ एबडक्ट कर रहे थे और कुछ टेंसर्स थे। और फिर हमारे पास लैरिंग्स की सेंसरी सप्लाई, जो जनरली सेंसेशंस को फील करवाने में हेल्प आउट करती है। अब उसके लिए हमने बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँगी, बहुत आसान है। क्या आसान है उसमें? हमारे पास जो मसल्स है ना, मैंने आपको बताया तीन ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, एडक्टर्स ऑफ वोकल कॉर्ड जो उसे बंद कराएंगे, एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड जो उसे खोलेंगे, एंड टेंसर्स ऑफ वोकल कॉर्ड जो उसको एक टोन मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये होगी मोटर में। अच्छा, अब हमारे पास जो सेंसरी सप्लाई, सबसे पहले इतना याद रख लें कि हमारे पास वेगस नर्व है 10th क्रेनियल नर्व। आपको जब क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि वेगस नर्व इज योर 10th क्रेनियल नर्व। तो ये जो वेगस नर्व है ना, बेसिकली ये जब नीचे आती है, राइट साइड की अलग वेगस नर्व होती है, लेफ्ट साइड की अलग वेगस नर्व होती है। जब ये आपकी नेक से गुजर के आती है तो ये कुछ ब्रांचेस देती है। उन ब्रांचेस में सबसे पहले ये एक ब्रांच देती है, विच इज नॉन एज सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व उसको कहते हैं। ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व थोड़ा सा नीचे आके डिवाइड कर जाती है, बल्कि मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। एक होती है इसकी ब्रांच एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, और दूसरी इसकी ब्रांच होती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि एक वेगस नर्व है, वेगस नर्व इज अ नर्व, जाहिर सी बात है नेक में ही नीचे आएगी तो एक ब्रांच देगी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। लेरिंग्स का नाम है तो इसका मतलब है कि लेरिंग्स की सप्लाई करना है, वो डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व में। ठीक है, और एक ब्रांच अलग से वेगस से निकलती है, मतलब यहाँ वेगस से निकल रही है। ठीक है, एक सुपीरियर और एक अलग से, उसका नाम होता है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरिंजियल, ये सारी की सारी नर्व्स ना मिलके सप्लाई करती हैं हमारे इस पूरे लैरिंग्स को। एक सुपीरियर की दो ब्रांचेस एक्सटर्नल इंटरनल, और एक रिकरेंट, बस ये तीन है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मोटर सप्लाई की बात करते हैं तो जितने भी आपके मसल्स हैं, एबडक्टर एडक्टर सारे, सबको रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज ऑल द मोटर सप्लाई जितने भी हमारी है, एक्सेप्ट वन। और वो वन कौन सा है? वो वन आपने याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है, वो वन है क्रीकोथायरॉइड, विच इज द टेंसर। ठीक है, क्रीकोथायरॉइड टेंसर है, उसको सप्लाई करती है आपकी एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। मैंने मोटर नर्व सप्लाई के लिखे नीचे लिखे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व फॉर ऑल द मोटर मसल्स, यानी एबडक्टर्स एडक्टर्स जितने हैं, एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड विच इज सप्लाइड बाय दिस एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। देन हमारे पास जो सेंसरी सप्लाई है उसको हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि ये अगर पूरा मेरे पास लेरिंग्स है और ये बीच में उसके वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वोकल कॉर्ड से ऊपर की नर्व सप्लाई अलग है और वोकल कॉर्ड से नीचे की नर्व सप्लाई अलग है। वोकल कॉर्ड से ऊपर की नर्व सप्लाई होती है इस इंटरनल लेरिंजियल नर्व से, जो सुपीरियर की ब्रांच है, और वोकल कॉर्ड से नीचे की नर्व सप्लाई है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से। अब एक दफ़ा आपको डायग्राम से दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए गाइस, इस डायग्राम में ना दोनों रिकरेंट लेरिंजियल नर्व्स का पाथवे बताया हुआ है कि क्या उनका पाथवे होता है। दिस इज द राइट वेगस नर्व, दिस इज लेफ्ट वेगस नर्व। ठीक हो गया, येलो वाली राइट वेगस नर्व, ये आपकी जो पीछे आपको नजर आ रहा है ये पूरा एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा से क्या क्या निकलती है हमारे पास, यहाँ से एक ये आपकी राइट कॉमन कैरोटिड है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, और जाहिर इस साइड पे राइट सबक्लेवियन है, इस साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन है। ये एओर्टा की जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो है। ठीक है, जाहिर मेन उसकी तीन होती है और फिर ये वाली डिवाइड हो जाती है राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन में। ये तो पुरानी बातें हैं, अब मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि एमसीक्यू में बात आ जाती है कि राइट वेगस नर्व राइट सबक्लेवियन आर्टरी के लेवल पे एक छोटी सी ब्रांच निकलती है, जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी के नीचे से गुजर के जाती है और फिर ऊपर जाके सप्लाई करती है लैरिंग्स को, एंड दिस ब्रांच इज द राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो राइट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का अगर कोई पाथवे पूछेगा तो हम कहेंगे कि राइट वेगस नर्व से ये निकलती है एट द लेवल ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लूप्स अराउंड इट,
एंड देन इट मूव्स अपवर्ड टू सप्लाई द लेरिंग्स. और लेरिंग्स में किस चीज़ को रिकरेंजियल नर्व सप्लाई करी, मैंने आपको भी बताया था कि सारे के सारे मोटर सप्लाई जो है एक्सेप्ट क्रीकोथायराइड वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से हो रही है. और सेंसरी सप्लाई रिकरेंट लेरिंजियल नर्व से हो रही है बिलो द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, ये दो बातें हैं इसकी. लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को देखें, हाँ लेफ्ट साइड की ये वेगस नर्व आई, ठीक है, नीचे तक आ गई. उसके बाद जो आर्च ऑफ एओर्टा है उसके लेवल पे एक छोटी सी ब्रांच यहाँ से निकली, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा के लेवल पे. और वो ब्रांच इस आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द घूम के पीछे चली गई एंड देन उसने फिर ऊपर आके सप्लाई किया लैरिंग्स को. तो दिस ब्रांच इज नोन एज लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. आप अगर खुद देखें आपको नजर आ रहे हैं कि राइट साइड की जो नर्व है वो थोड़ी छोटी है रिकरेंट लेरिंजियल, लेफ्ट साइड की थोड़ी ज्यादा लंबी है. इसलिए लेफ्ट साइड की जो नर्व है उसको पैरालिसिस के चांसेस भी ज्यादा है. ठीक है, याद रखना है कि लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को ज्यादा चांस होता है पैरालिसिस का, इसका पाथवे लंबा होता है, इसके ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट को इतना नहीं होता. और लेफ्ट की रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की भी सप्लाईज वही है जो मैंने आपको पहले बता दी है राइट की है. ठीक है, अब ये कोर डायग्राम है, ये सारी की सारी नर्व सप्लाई बता रही है लैरिंग्स की, जो मैंने भी आपको बताई थी. क्या है जी, वेगस से एक तरफ निकल रही है ये, आप देखें राइट साइड की सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है, ये जो आपको एक नजर आ रही है, और एक उससे निकल रही है ये वाली जो आपको नजर आ रही है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो इन्होंने ट्रेकिया के साथ साथ दिखाई है. ठीक है, आई एम सॉरी यहाँ पर, अच्छा ठीक है. तो ये जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है इसकी दो ब्रांचेज है, एक जो इसकी छोटी सी ब्रांच है वो है इसकी सेंसरी ब्रांच, जो कि वोकल कॉर्ड से ऊपर वाले एरिया को सप्लाई करती है, जो हम कहते हैं इसकी इंटरनल ब्रांच है. मैंने आपको बताया था ना कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की दो ब्रांचेज होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इसकी इंटरनल ब्रांच इज द सेंसरी ब्रांच, और जो इसकी एक्सटर्नल ब्रांच है वो क्रीकोथायराइड मसल को सप्लाई करती है. ठीक है, मोटर सप्लाई. तो यहाँ तक नर्व सप्लाई पूरी हो जाती है. अब हम पढ़ते हैं पैरालिसिस ऑफ लैरिंग्स. ओके गाइस, अब जो हमारा ये पैरालिसिस होता है ना, कि लैरिंग्स को जब हम पैरालिसिस, उसको जाहिर सी बात है कि हमने देखा कि मेजरली देखें तो हमारी दो नर्व्स हैं जो आ रही हैं, एक सुपीरियर लैरिंजियल है, एक रिकरेंट लैरिंजियल है. तो हम अगर डिवाइड करें तो हम इसको दो या तीन क्लासेस में इस तरह डिवाइड करते हैं कि हम कहते हैं पैरालिसिस ऑफ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो सकता है, या पैरालिसिस सुपीरियर लैरिंजियल नर्व का हो सकता है, या कंबाइन हो सकता है दोनों का. ठीक है, तो ये तो हमारी पहली क्लासिफिकेशन होगी, इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे. जो कॉजेज होते हैं ना पैरालिसिस के, कि नर्व का डैमेज होगा, वो जाहिर सी बात है कुछ जनरल से कॉजेज होते हैं जो हमने लिस्ट किए, और पहले हम उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट कैन बी द कॉज. देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास नर्व आ कहाँ से रही है, शुरू जहाँ से होता है वो है वेगस नर्व, एंड वेगस नर्व आपके मेडल्ला में लोकेटेड है, उसका न्यूक्लियाई. ठीक है, वहाँ से आ रही है, ये वो होता है उसका न्यूक्लियस. और अगर उससे भी पीछे देखें तो न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व स्टिमुलेट कैसे होता है, आपने पढ़ा था कि यू हैव अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, ऐसे करके आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सॉरी मैंने बुरा सा बनाया साइड व्यू में, ऐसे मजी उसका सारा का सारा है. उसमें एक सेंसरी, आगे मोटर एरिया होता है, एक मोटर एरिया होता है, एक सेंसरी एरिया होता है. ठीक है, उसका जो मोटर एरिया है, जब वो स्टिमुलेट होता है किसी भी सेंसरी मैसेज से, तो वो मोटर एरिया मैसेज भेजता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द स्पेसिफिक नर्व, और वो न्यूक्लियस ऑफ द नर्व स्टिमुलेट होके फिर नर्व को कहता है कि भाई ये वाला मैसेज उस जगह पर लेके जाओ और ये एक्शन करवाओ. ठीक है, तो अगर हमारे पास पहला सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करें तो जो लीजन हो सकती है जिसकी वजह से नर्व सप्लाई में मसला आ सकता है, वो सुपरा न्यूक्लियर लीजन हो सकती है, यानी कि अ लीजन इन द कॉर्टेक्स, अ लीजन इन द मोटर या सेंसरी एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, जो कि बहुत रेयर है, नॉर्मली नहीं होती. ठीक है, सेकेंड लेवल पे जो लीजन हो सकती है वो न्यूक्लियर लेवल पे हो सकती है, कि आपका न्यूक्लियस जो है वो या तो उसमें कोई मसला हो गया. वो किस वजह से मसला हो सकता है, आपका मिडिला ब्लॉन्केटा में कोई ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है अगर, तब से आपका मसला आ सकता है. जाहिर सी बात है कि वो उसकी वजह से प्रेशर कंप्रेशन इफेक्ट्स आ जाएंगे. देन उसके बाद कोई वैस्कुलर सप्लाई इस जगह की अगर लॉस हो गई है, पोलियो के बच्चों में सेरिब्रल पोलियो हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है. तो कोई भी मसला जो न्यूक्लियस को तंग करेगा वो हमारा नर्व सप्लाई में इशू कर सकता है. उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पहले हमारे पास क्या है, वेगस नर्व है, क्योंकि अभी तो ब्रांचेस नहीं आई ना, अभी तो मेन वेगस नर्व आई है. तो इन हाई वेगल लीजेंस में पूरी वेगस नर्व का पाथवे, जब तक वो न्यूक्लियस से निकल के आप अपनी ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होती जाती, वो सारा का सारा आ जाएगा. ठीक है, तो हाई वेगल में हमारे पास अब कोई ट्यूमर्स हैं, कोई नेजोफ्रेंजियल, मतलब अगर आप इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स की बात करेंगे तो ट्यूमर्स ऑफ पोस्टेरियर फोसा हो सकता है, मेनिनजाइटिस हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है स्कल का, ग्लोमस ट्यूमर, पेनिट्रेटिंग इंजरीज हो सकती है, लाइक बहुत कुछ हो सकता है. ठीक है,
फिर हमारे पास आते हैं लो वेगल लीजन्स. लो वेगल लीजन्स का मतलब है कि आप ब्रांचेस के लेवल पे कोई मसला है, रिकरेंट लेरिंजियल या फिर सुपीरियर लेरिंजियल, वो भी फिर आपके जाहिर सी बात है वेरिड किस्म के मसले, कोई ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है, कोई ट्रॉमा हो गया था उस जगह पे जिससे नर्व में मसला आ गया, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन थी कि प्रॉब्लम जिसने कर दी है, सो वो लो वेगल लीजन्स है. सिस्टेमिक कॉजेज में आती है आपकी ये ऐसी डिजीजेज जो कि सिस्टेमिकली इफेक्ट कर रही हैं आपकी नर्व्स को, जिसमें मोस्ट कॉमन इज डायबिटीज. ठीक है, डायबिटीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और डायबिटीज न्यूरोपैथी आपको पता है बहुत कॉमन एक चीज़ है. उसके बाद आपकी जो इन्फेक्शन है जिसमें सिफिलिस आ जाता है, जिसमें डिफ्थेरिया आ जाता है, जिसमें आपका टाइफाइड आ जाता है या फिर नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, ये सारे भी जब कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं तो नर्व सप्लाई को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, और फिर कभी कभार इडियोपैथिक कॉज होता है. तो ये सारे जनरल कॉजेज हैं जो लेरिंजियल पैरालिसिस कर सकते हैं. जब भी आपने सोचना है तो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारों में आना है. अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अगले पार्ट में, पहले रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का पैरालिसिस कर लेंगे और फिर हम करेंगे सुपीरियर लेरिंजियल नर्व का पैरालिसिस एंड देन कंबाइंड. अभी तक कोई मसला हुआ किसी को, यू कैन आस्क मी. थैंक यू.